ये किस तरह का ताल्लुक है आपका मेरे साथ, ये किस तरह का ताल्लुक है आपका मेरे साथ, मुझे ही छोड़ जाने का मशवरा मेरे साथ। क्या बात, जबरदस्त, क्या बात है, बगैरती दी हद नहीं होगी। चले आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं गाइस, पहले उसके ऊपर आ जाते हैं, वीडियो देख लेते हैं। एज वी ऑल ऑफ नो के इंडिया में क्रिकेट को पूजा जाता है, बिल्कुल, और बिल्कुल। ये हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं, और हमें मतलब मिलता भी है कि जिस तरीके से क्रिकेट इंडिया खेल रहा है, बिल्कुल, और वाकई और इंडियन लोग जिस तरीके से क्रिकेट को मतलब प्यार करते हैं, एंजॉय करते हैं, वो पूरी दुनिया में आपको किसी और देश में नहीं मिलता, बिल्कुल, बिल्कुल। और दुनिया के बड़े बड़े जो क्रिकेट स्टेडियम है वो भी इंडिया में, और आज का जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि अभी वर्ल्ड कप, बात वाकई ही सच है, अगर क्रिकेट से इतनी मोहब्बत ना हो तो पाकिस्तान के हारने का कभी इतना दुख ना होता। बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान अपनी करतूतों की वजह से हारा है, इसमें हाँ, कोई आपके जो टैलेंटेड बंदे हैं वो बाहर बैठे हैं, आप वो भाई आजा क्रिकेट खेली है, मेरे मामे का हेलो, हाँ भाई कजन किधर है, वो यार वर्ल्ड कप आ गया है, हाँ हाँ आ जा तू भी आ जा, साथ दूसरे को भी ले जाना, हमने वर्ल्ड कप खेलने जाना। ये जब ऐसे बाहर हो गए थे इंडिया वालों ने बहुत सपोर्ट किया, आपको सपोर्ट मिली है, क्राउड ने बहुत, ये ना क्योंकि सपोर्ट नहीं कर सकते। अब एक चीज के आपको कि यार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच है और पाकिस्तान को सपोर्ट मिलेगी तो भाई नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी आपको इंडिया में, अपने मुल्क को आगे रखता है, बिल्कुल, और वो तो हम जानते हैं। लेकिन इंडिया के अलावा आपका मैच किस कंट्री के साथ हुआ और आपको सपोर्ट नहीं मिली, पाकिस्तान को सपोर्ट, आपको सपोर्ट हर मैच में मिली है, वेलकम बहुत जबरदस्त हुआ पाकिस्तान का इंडिया में, यार हर चीज जबरदस्त थी, कि अगर कोई बात करे को ऐसा है या ऐसा है वो ये है वो है कि वो कुछ भी नहीं है भाई, आप नहीं अच्छा खेले, लाइव देखा सारा कुछ, आप नहीं अच्छा खेले, इंडिया ने बहुत आउटस्टैंडिंग खेल खेला है भाई, बहुत बढ़िया खेला है, उनका बॉलिंग हो या बैटिंग हो, हर दोनों चल रही है। एक चीज थी कि बैटिंग हमेशा से इंडिया की बैटिंग होता था कि भाई इंडिया की जैसी बैटिंग कोई नहीं करता, दुनिया की टीम में नहीं की, और बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे महान प्लेयर इंडिया के पास अभी यार टेंडोल, सचिन और महेश टेंडोलकर से ऊपर कुछ नहीं है, धोनी बहुत अच्छा कप्तान, महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी वो एक आपके लिए बिल्कुल लेवल है। आज के दौर में देखें तो विराट कोहली और शुभमन गिल, स्पेशली शुभमन गिल की तारीफ करना होगी यार, जिस तरह का वो बल्लेबाज है, कमाल का प्लेयर है वो, और इंडिया का ऐसा फ्यूचर है कि आप कहेंगे कि भाई ये क्या है। युवराज सिंह को कभी आप खेलते आपने देखा होगा तो मतलब आज शुभमन गिल जो है उसने वो कमी जो है इंडिया के पास वो उसको भी पूरा कर दिया, और फास्ट खेलने वाला, उसकी स्ट्राइक रेट देख लें हर मैच में, ठीक है, हाँ बहुत अच्छा। और हम चूंकि क्रिकेट के सभी फैन हैं तो इंडिया में जो अपकमिंग बड़े ग्राउंड्स हैं, क्रिकेट स्टेडियम आने वाले हैं, आज उनकी बात हम करने वाले हैं, तो चलें पहले चलते हैं आज का वीडियो देखते हैं। दोस्तों जिस तरह देश विदेश में क्रिकेट स्टेडियम की संख्या बढ़ती जा रही है, उसे देखते हुए भारत में भी काफी सारे नए नए स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। ये स्टेडियम एक से बढ़कर एक खूबियों के साथ भारत के अलग अलग राज्यों में बनाए जा रहे हैं, जिसमें हर एक स्टेडियम अपनी यूनिक डिजाइन, फैसिलिटी और अलग अलग दर्शक क्षमता के लिए जाना जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम भारत के 10 नए क्रिकेट स्टेडियम के बारे में जानेंगे। यदि आपके शहर में भी कोई स्टेडियम अंडर कंस्ट्रक्शन है तो कमेंट में उसका नाम लिखें। नंबर 10, वाराणसी क्रिकेट स्टेडियम। दोस्तों ये स्टेडियम भारत के सबसे सांस्कृतिक शहर काशी में बनाया जा रहा है, और कुछ समय पहले ही पीएम मोदी जी ने स्टेडियम की आधारशिला रखी थी। स्टेडियम के डिजाइन में हमें काशी की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी, जिसकी फ्लड लाइट त्रिशूल के आकार की होगी और बैठने की फैसिलिटी घाट की सीढ़ियों की तरह होगी। साथ ही डमरू के आकार में लॉन्च भी बनाया जाएगा। इस स्टेडियम को न सिर्फ क्रिकेट के पर्पज से बनाया जा रहा है, बल्कि यहाँ पर बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कराटे और जूडो खेलने की फैसिलिटी मिलेगी। इसके साथ ही यहाँ पर एक क्रिकेट एकेडमी, हॉस्टल, जिम, पार्किंग और स्विमिंग पूल भी बनाया जाएगा, जिस कारण यह स्टेडियम वर्ल्ड क्लास का होने वाला है। और दर्शक क्षमता की बात करें तो भारत के इस नए स्टेडियम की दर्शक क्षमता 30,000 की रहने वाली है। आने वाले 2 से 3 सालों में ये स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा और फिर काशीवासी यहाँ पर क्रिकेट का आनंद ले सकेंगे। नंबर 9, नासिक न्यू क्रिकेट स्टेडियम। दोस्तों महाराष्ट्र के नासिक में भी एक नया अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया जा रहा है। ये स्टेडियम नासिक नगर निगम द्वारा
180 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। ये स्टेडियम पंचवटी डिवीजन में 35 एकड़ की जमीन में डेवलप किया जाएगा, जिसका निर्माण कार्य आने वाले 4 से 5 सालों में कम्प्लीट कर लिया जाना है। ये पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होगा जो नॉर्थ महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। स्टेडियम में सभी तरह की मॉडर्न फैसिलिटी दी जाएंगी, जिसमें जिम, लाइब्रेरी, पार्किंग, स्विमिंग पूल शामिल है। वहीं दर्शक क्षमता की बात करें तो महाराष्ट्र के नए स्टेडियम की दर्शक क्षमता 25,000 की होने वाली है। नंबर 8 मोइन अल हक स्टेडियम। ये स्टेडियम भारत के राज्य बिहार में मौजूद है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये स्टेडियम वर्ल्ड कप सहित 3 वनडे मैचों को भी होस्ट कर चुका है और इसकी दर्शक क्षमता 25,000 की है। स्टेडियम का इस्तेमाल क्रिकेट और एसोसिएशन फुटबॉल के लिए किया जाता है। इसके साथ ही ये मैदान बिहार रणजी टीम का होम ग्राउंड भी है। पर दोस्तों, अब से कुछ समय बाद स्टेडियम की रूपरेखा बदलने वाली है, क्योंकि सरकार इसे वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम के रूप में डेवलप कर रही है, जिसमें पार्किंग, होटल, मोटिवेशन सेंटर, इंडोर आउटडोर गेम और स्विमिंग पूल जैसी फैसिलिटी भी मिलेगी। और खास बात यह है कि स्टेडियम में वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम भी लगाया जाएगा, जो बारिश के पानी को आसानी से निकाल देगा, और इसकी मदद से बारिश के कारण भी मैच ज्यादा देर तक नहीं रुकेगा। नंबर 7 भोपाल क्रिकेट स्टेडियम। दोस्तों, जल्द ही भोपाल वासियों का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का सपना सच होने वाला है, क्योंकि खेल विभाग ने बरखेड़ा नाथू में इसकी आधारशिला रख दी है और यहां पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे खेलों की सुविधाएं मिलेंगी, जिसमें क्रिकेट स्टेडियम भी शामिल है। इसका निर्माण कार्य 3 फेज में किया जाएगा और इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर बनाया जा रहा है। यह मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 100 एकड़ में बनाया जाएगा। इसमें 8 फुटबॉल ग्राउंड के अलावा अर्बन प्लाजा, एथलेटिक्स प्रैक्टिस एरिना, एथलेटिक्स स्टेडियम, आउटडोर स्पोर्ट्स एरिना, प्रैक्टिस हॉकी फील्ड और हॉकी स्टेडियम भी बनाया जाएगा। इस तरह पहले फेज में 7 एरिना बनाए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, पार्किंग एरिया, सर्विस एंटी और फुटसाल फील्ड भी बनाई जाएगी। वर्तमान में इस कॉम्प्लेक्स के तहत क्रिकेट स्टेडियम के पवेलियन बनाने का काम जारी है और कंप्लीट होने के बाद यहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी खेल खेले जाएंगे। इसलिए आप सभी लोग अपने फेवरेट खिलाड़ी का नाम कमेंट में जरूर लिखें। नंबर 6 नालंदा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। दोस्तों, नालंदा स्टेडियम बिहार के नालंदा में एक अपकमिंग क्रिकेट स्टेडियम है और इसकी आधारशिला साल 2018 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा रखी गई थी। स्टेडियम को ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट ग्राउंड के मॉडल पर बनाया जाएगा और ये स्टेडियम 90 एकड़ जमीन में 800 करोड़ रुपए की लागत से डेवलप किया जा रहा है, जिसको बनाने का जिम्मा सापूरजी पलोंजी ग्रुप के पास है। नालंदा में बनने वाले नए स्टेडियम में हमें क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों की फैसिलिटी भी मिलेगी। साथ ही इसमें गजब का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा, जिसमें इंडोर आउटडोर खेल, कैफेटेरिया, स्विमिंग पूल जैसी मॉडर्न फैसिलिटी भी मिलेगी और यहां पर एक साथ 45,000 लोग लाइव मैच का मजा उठा सकेंगे। वैसे कि आपने भी स्टेडियम बैठकर लाइव मैच का मजा उठाया है? अगर उठाया है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 5 गोरखपुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में इस साल एक नए स्टेडियम की और एक मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी है। ये स्टेडियम गोरखपुर शहर में 150 करोड़ रुपए की लागत से डेवलप किया जाएगा, जबकि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य 6.17 करोड़ की लागत से किया जाएगा। स्टेडियम में सभी तरह की मॉडर्न फैसिलिटी मिलेंगी, जहां पर इंडोर आउटडोर खेल, होटल, जिम, स्विमिंग पूल, रेस्ट रूम वगैरह की फैसिलिटी होगी, जबकि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रनिंग ट्रैक, बास्केटबॉल कोर्ट, टेबल टेनिस कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, क्रिकेट नेट प्रैक्टिस रेंज और दूसरे खेलों की सभी फैसिलिटी मिलेगी। इस तरह ये उत्तर प्रदेश का एक अपकमिंग अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम होने वाला है। नंबर 4 जयपुर इंटरनेशनल स्टेडियम। ये स्टेडियम पिंक सिटी जयपुर में बनाया जा रहा है, जो भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होने वाला है। स्टेडियम की खास बात यह है कि ये वाला स्टेडियम दर्शक क्षमता के मामले में भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होने वाला है, क्योंकि स्टेडियम में एक साथ 75,000 लोग लाइव मैच देख सकते हैं। और कुछ समय पहले ही स्टेडियम के निर्माण के लिए वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ एक MOU पर साइन किए थे। ये स्टेडियम जयपुर के चौम विलेन में बनाया जाएगा और स्टेडियम का नाम अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होगा।
ये स्टेडियम 100 एकड़ लैंड में डेवलप किया जाएगा, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा प्लेइंग फील्ड एरिया होगा। और खास बात ये है कि स्टेडियम में दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस वे की मदद से आसानी से एक्सेस कर सकेंगे। स्टेडियम का निर्माण अलग अलग फेजेज में किया जाएगा और कम्प्लीट होने के बाद स्टेडियम में नेशनल और इंटरनेशनल मैच होस्ट किए जाएंगे। और अगर हम फैसिलिटी की बात करें तो स्टेडियम में 11 क्रिकेट पिच, 2 प्रैक्टिस ग्राउंड और एक शानदार क्रिकेट एकेडमी भी बनाई जाएगी। इसके अलावा हॉस्टल, पार्किंग, स्पोर्ट्स क्लब, होटल और जिम वगैरह की फैसिलिटी मिलेगी, जिस कारण ये भारत का वर्ल्ड क्लास स्टेडियम होने वाला है। नंबर 3, बोकारो स्टेडियम। ये स्टेडियम भारत के राज्य झारखंड में बनाया जा रहा है, जो झारखंड का तीसरा क्रिकेट स्टेडियम होने वाला है। इस स्टेडियम की दर्शक क्षमता रांची की स्टेडियम की तरह ही 40,000 की रहने वाली है। और स्टेडियम में मिलने वाली फैसिलिटी की बात करें तो स्टेडियम में मिलने वाली फैसिलिटी भी रांची की स्टेडियम की तरह होगी, जिसमें 8 प्रैक्टिस पिच, इंडोर क्रिकेट अकेडमी, टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, स्विमिंग पूल और 76 कॉर्पोरेट बॉक्स भी बनाए जाएंगे। नंबर 2, ग्वालियर इंटरनेशनल स्टेडियम। ग्वालियर में बनने वाला ये स्टेडियम शंकरपुर गांव में एक अपकमिंग स्टेडियम है। स्टेडियम का निर्माण मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है और ये स्टेडियम करीब 30 एकड़ की जमीन पर डेवलप किया जाएगा। और इसके पहले स्टेज में 30,000 की दर्शक क्षमता होगी, जबकि फाइनल स्टेज में इसकी दर्शक क्षमता 50,000 की होने वाली है। ये स्टेडियम अब से कुछ ही समय बाद नेशनल और इंटरनेशनल मैच होस्ट करने वाला है, क्योंकि वर्तमान में इसका बेस स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है और अब सीट्स और फील्ड लाइन इंस्टॉल की जा रही है। इसके पहले स्टेज का कंस्ट्रक्शन दिसंबर 2023 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। स्टेडियम की खास बात यह है कि इसमें रात के मैचों के लिए फ्लड लाइट, स्विमिंग पूल, मॉडर्न जिम, ड्रेसिंग रूम और कॉर्पोरेट बॉक्स बनाए जा रहे हैं। नंबर 1, उदयपुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। दोस्तों, उदयपुर क्रिकेट स्टेडियम एक प्रपोज्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, जो राजस्थान के उदयपुर में बनाया जा रहा है। और आपको बता दें, रजवाड़ों की धरती राजस्थान में इस समय 2 स्टेडियम पर काम चल रहा है, जिसमें से पहला स्टेडियम है उदयपुर स्टेडियम, जबकि दूसरा है जयपुर का अपकमिंग अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। जयपुर स्टेडियम के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, पर उदयपुर वाले स्टेडियम की बात करें तो इस स्टेडियम में 35,000 लोगों के एक साथ बैठने की क्षमता होगी। और ये जयपुर में बनने वाले स्टेडियम के बाद राजस्थान का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कहलाया जाएगा। इस स्टेडियम को 200 करोड़ रुपए की लागत से कम्पीट किया जा रहा है। और बात करें इसकी फैसिलिटी की, तो इस 35,000 दर्शक क्षमता वाले स्टेडियम में कैफेटेरिया, कॉर्पोरेट बॉक्स, ड्रेसिंग रूम, हॉस्टल वगैरह की फैसिलिटी मिल जाएगी। तो ऐसे में ये राजस्थान का मॉडर्न फैसिलिटी वाला एक इंटरनेशनल स्टेडियम होगा। तो दोस्तों, इनमें से किस स्टेडियम का आपको इंतजार है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। अनिल अग्रवाल भी सबसे ज्यादा स्पेक्टेटर्स वहां पे होंगे, 75,000। हां, वहां पे तो वो इंडिया का दूसरा बड़ा ग्राउंड बनेगा, दूसरा बड़ा। पहला तो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम जो है अहमदाबाद। मैंने ये सोची थी, वैसे मेरे दिल में ये होता था कि स्टेडियम्स में ना बस ऐसी जगह बनी होती है, गोली सीटें लगी होती आगे पे। ये जितनी फैसिलिटीज बता रहे हैं अंदर, स्विमिंग पूल, ये सब कुछ कहां होता है? प्लेयर के लिए होता है ना, बिल्कुल। मतलब आम है जो ड्रेसिंग रूम्स और ये ड्रेसिंग रूम तो डेफिनेटली हर क्रिकेट स्टेडियम में होते हैं, लेकिन इधर ये है कि आप को फैसिलिटीज कुछ स्टेडियम में आपके पास ज्यादा होती हैं, कुछ में कम होती हैं। लेकिन अगर आप इंडिया जा रहे हैं तो आपको डेफिनेटली फैसिलिटीज मिलेंगी वहाँ पर आपको, क्योंकि जिस तरीके से हमने पहले बात की थी कि जिस तरीके से प्यार मिलता है और क्रिकेट को एक पूछते हैं लोग वहाँ पर, पैशन, बिल्कुल पैशन है भाई उनका, इसमें कोई शक नहीं है। और इंडिया की टीम ऐसी टीम है जो खेलती है अपने देश के लिए, अपने देश के लिए खेलती है। और आज तक हमने देखो कि कभी नहीं सुना कि यार कुछ ऐसा मामला हुआ हो, कुछ वैसा मामला हुआ हो। बाकी टीम्स हमने बड़ी बड़ी टीम्स में देखा, वैसे मुकद्दर की बात होती है, लेकिन एक दफा अपना ना मन लगा के खेलती है कि कभी सम टाइम बैड लक हो जाए तो हो जाए, लेकिन आप देखेंगे कि हर मैच में वो अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। और यही बात है कि वो मतलब आज देख लें कि जिस तरीके से वर्ल्ड कप चल रहा है और इसमें इंडिया आज भी, बल्कि इंडिया का मैच है और अभी नीदरलैंड के साथ इंडिया जो है वो खेल रहा था और बहुत अपनी पब्लिक को डिसअपॉइंट नहीं करती वैसे, बिल्कुल। और बाकी ये है कि उदयपुर वाला जो स्टेडियम है, मुझे स्पेशली इसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया उसका इंतजार, ये सारा के ऊपर काम जारी है ना। हाँ, ये उन्होंने वो बताए जिन पर काम जारी है, आने वाले 2024 में तैयार हो जाएंगे, तैयार होंगे भाई। आईपीएल दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड, ठीक है, क्रिकेट बोर्ड
इंडिया का, हाँ बीसीबी इंडिया का जो क्रिकेट बोर्ड है, बीसीसीआई भारत क्रिकेट काउंसिल, वो मतलब दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो डेफिनेटली जो आप जितने बड़े प्लेयर उठाकर देखेंगे आपको इंडिया से, इंडिया में से आपको मिलते हैं, और रैकेट्स जो हैं वो भी इंडियन प्लेयरों के पास बहुत ज्यादा है। हाँ, बॉलिंग के मामले में अब जिस तरीके से अब बॉलिंग कर रहे हैं इंडियन बॉलर्स, तो बॉलिंग के जो रैकेट्स हैं वो भी आपको जल्द ही इंडिया के देखेंगे। मोहम्मद सिराज तो चला गया ना पहले नंबर में। हाँ, वो यार मोहम्मद सिराज हो या शमी हो या फिर जसप्रीत बुमराह हो, यार उनकी क्लास ही इस वर्ल्ड कप में अलग नजर आई है भाई, अलग अलग ही नजर आ रहे हैं। बिल्कुल पता चल रहा है कि वाकई यार कोई लड़के वर्ल्ड कप खेलने आए हैं, मुझे करने आए हैं। आप लोग पता नहीं क्रिकेट को कितना कब से फॉलो कर रहे हो, लेकिन जब वकार यूनस, वसीम अकरम और शोएब अख्तर ये मतलब बॉलर हुआ करते थे ना तीन, मतलब पाकिस्तान के, तो कहते थे यार ये इतनी गहराई बॉलिंग में और किस बॉलर के खिलाफ हमने अटैक करना है। आज हमें इंडिया की वो चीज नजर आती है, हमें जो दूसरी टीम्स हैं वो सोच रही होती हैं, उनको समझ नहीं आती है ना हमने किस बॉलर को अटैक करें। यार शमी नहीं अटैक कर सकते, सिराज वो विकेट ले रहा है, जसप्रीत बुमराह उसकी पेस, उसकी स्विंग जिस तरीके से वो कर रहा है बॉल, और अब क्या उसने अपनी क्लास दिखाई है यार, क्लास है उसकी। बाकी ये है कि अपकमिंग जो क्रिकेट स्टेडियम नो डाउट बहुत बहुत बढ़िया है और जरूरी भी था कि होने चाहिए। और बाकी ये है कि अगले वर्ल्ड कप तक, अगले वर्ल्ड मीन्स नेक्स्ट जो बड़ा इवेंट होगा आईसीसी का इंडिया में, तब तक बहुत सारे न्यू क्रिकेट स्टेडियम्स जो हैं वो आ चुके होंगे इंडिया में, और हमें मौका मिलेगा, और जो टीम्स हैं वहां पर हमें मैच देखने का जो है वो मौका मिलेगा। बाकी अभी तक के लिए इतना ही, और आपके करीब तरीन आप देखते हैं, आपके करीब तरीन कौन सा क्रिकेट स्टेडियम है कमेंट सेक्शन में आपने बताना है। अभी दें इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में।